नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रेगुलर प्लान को डायरेक्ट प्लान में कैसे स्विच करना, ठीक है। इसकी दोनों प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ऑनलाइन कैसे करते हैं इसको स्विच और ऑफलाइन कैसे करते हैं इसको स्विच, दोनों प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेगुलर प्लान क्या होता है और डायरेक्ट प्लान क्या होता है। फ्रेंड देखिए, जब आप किसी एजेंट के थ्रू पैसा निवेश करते हो म्यूचुअल फंड में, तो वो कहीं ना कहीं उसको रेगुलर प्लान बोलेंगे। और जब आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, चाहे आप वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी में जाके आपने डाल दिए या फिर आप ऑनलाइन आपने डाल दिए, तो वो हो गया डायरेक्ट प्लान। इसको और थोड़ा सा एलैबोरेट करके समझते हैं। देखिए, आप पैसा निवेश कर रहे हो म्यूचुअल फंड कंपनी में और बीच में कौन है, एजेंट है, ठीक है। जब आप एजेंट के थ्रू पैसा निवेश करते हो तो उसको रेगुलर प्लान बोला जाता है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि एजेंट को भी कमीशन जा रहा है, ठीक है। और जो डायरेक्ट प्लान होता है उसमें आप पैसा निवेश करते हो डायरेक्ट AMC में, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी में, बीच में कोई भी एजेंट होता नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसमें रिटर्न की अगर बात करें तो डायरेक्ट प्लान में लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न मिलता है रेगुलर प्लान के मुकाबले, क्योंकि रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है, डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशो कम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट प्लान में जो है कोई भी एजेंट नहीं होता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बीच में नहीं होता है, आपका डायरेक्ट पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी में जाता है आपकी जेब से निकल के। इसीलिए वहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी की थोड़ी बचत हो जाती है, उनको कमीशन किसी को देना नहीं पड़ता है, इसीलिए वही पैसा आपका इन्वेस्ट होता है और इसीलिए आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है डायरेक्ट प्लान में। जबकि रेगुलर प्लान में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी को कमीशन देना होता है एजेंट को, डिस्ट्रीब्यूटर को, और उतना ही वो आपके इन्वेस्टमेंट में से जाता है जो कमीशन। तो आपके इन्वेस्टमेंट में से कुछ कमीशन अगर एजेंट ले लेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा तो आपको रिटर्न भी तो कम मिलेगा। तो इसीलिए डायरेक्ट प्लान में रिटर्न ज़्यादा मिलता है और रेगुलर प्लान में रिटर्न थोड़ा कम मिलता है लॉन्ग टर्म में देखे तो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में ये कंपेरिजन समझ में आता है, ठीक है। अब दोस्तों स्विच की बात हम कर रहे हैं तो स्विच का मतलब भी समझ लेते हैं। स्विच मतलब क्या? देखिए दोस्तों, आप एक फंड से निकल कर दूसरे फंड में स्विच कर रहे हो, इसका मतलब ऐसा है कि आप एक फंड सेल कर रहे हो और दूसरा फंड ले रहे हो, इसको सेल ट्रांजेक्शन माना जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम रेगुलर प्लान से स्विच करके हम डायरेक्ट प्लान में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सेल ट्रांजेक्शन काउंट किया जाएगा, और जब ये सेल ट्रांजेक्शन काउंट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे एग्जिट लोड की भी बात आएंगी, यहाँ पे टैक्सेशन की भी बात आएंगी, इसको भी समझ लेते हैं। जो भी पैसा आप स्विच कर रहे हो, मतलब रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में आप जा रहे हो, तो जो आप पैसा आपका अभी तक इन्वेस्ट हो चुका है रेगुलर प्लान में, ठीक है, वो जो पैसा आप स्विच कर रहे हो उस पैसे को अगर एक साल नहीं हुआ है तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है, जो कि होता है 1%, ठीक है। एक साल अगर हो गया है तो फिर एग्जिट लोड देने की ज़रूरत नहीं है। और अब बात करते हैं टैक्सेशन की। टैक्सेशन का देखिए दोस्तों, जो पैसा आपने इन्वेस्ट हो चुका है, जिसको आप अभी स्विच करने वाले हो, उसको अगर एक साल नहीं हुआ है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो कि होता है 15%। कौन सी अमाउंट पे? जो आपको मुनाफा होगा उस पे, ठीक है। अमाउंट जो इन्वेस्ट हो चुका है उस पे नहीं देना है, जो मुनाफा होगा उस पे आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, एक साल अगर नहीं हुआ है तो। अगर एक साल हो गया है आपके इन्वेस्टमेंट को और जो भी मुनाफा आपने कमाए हैं उस मुनाफे की रकम अगर 1,00,000 रुपये तक है तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक साल हो गया आपके इन्वेस्टमेंट को और आपने जो मुनाफा कमाए उस मुनाफे की रकम 1,00,000 रुपये के ऊपर है, तो 1,00,000 रुपये के ऊपर जो भी अमाउंट रहेंगी उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि होता है 10%। मान लो आपने 1,20,000 रुपये कमाए तो आपको 1,00,000 रुपये तक तो कोई टैक्स नहीं देना है, आपको 20,000 रुपये पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि है 10%, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि आप किस तरीके से फंड को स्विच करेंगे, मतलब रेगुलर से निकल के डायरेक्ट में कैसे जाएंगे। तो दो प्रोसेस है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन में सिंपल है, ऑफलाइन में कुछ भी नहीं है, आपको म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाना है, वो स्विच का फॉर्म आपको देंगे, उस पर साइन करना है, बस आपका फंड स्विच हो जाएगा 2-3 दिन में, ठीक है। ऑफलाइन बहुत सिंपल है। अब ऑनलाइन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे कैम्स की वेबसाइट पे, जहां से हम म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान को डायरेक्ट प्लान में स्विच करेंगे। तो मैं गूगल में ही टाइप कर देता हूँ कि जो कैम्स की जो साइट है वो माई कैम्स, आपको इस तरीके से गूगल में आप टाइप करोगे तो माई कैम्स campsonline.com, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे आप तो पहले ही आ गया जो वेबसाइट है वो है mycamps.campsonline.com, ठीक है। इस पर इसको क्लिक करके आप ओपन कर लीजिए वेबसाइट्स, ठीक है। तो ये वेबसाइट क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन और इसके बाजू में लिखा हुआ है माई कैम्प्स लॉगिन, ठीक है। आप अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको सबसे पहले न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अपने न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर विद कैम्प्स सर्विस फंड
दूसरा लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर टू कैंप सर्विस फंड। जब आप यहाँ पे रेगुलर प्लान को डायरेक्ट प्लान में स्विच करने आए हो तो दैट मीन्स आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, मतलब आपके पास में ऑलरेडी म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड की SIP है, तो आपको क्लिक करना है एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड जो है उसके रजिस्टर पे ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, वो वाली ईमेल आईडी जो आपने म्यूचुअल फंड ओपन करते वक्त दी थी, मतलब रजिस्टर्ड मेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करोगे आप तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अभी फिलहाल मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुका हूँ, मतलब मैं जिस यूजर का अभी आपको दिखाने वाला हूँ उसने रजिस्टर्ड कर चुका है। और अब डायरेक्टली मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे माई कैंप्स लॉगिन में आ जाएंगे, यहाँ से हम लॉगिन, यहाँ पे हम वो डालेंगे ईमेल आईडी, जिस जो ईमेल आईडी हमारी रजिस्टर्ड है, मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नीचे पासवर्ड एंटर कर देते हैं हम। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको नीचे एक आई एम नॉट अ रोबोट इस पे भी क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक कर दिए, लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का एक सिक्योरिटी क्वेश्चंस आएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चंस जब आप फर्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तब आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस अगर वहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है, तो उसी में से कोई एक क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा तो उसका आंसर आपको देना पड़ता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि सिटी के बारे में पूछ रहा है, तो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने डाल दिया सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर। जैसे हम आंसर डालेंगे हम अंदर आ जाएंगे। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो कुछ इस तरीके का पेज ये सामने क्लोज लिखा हुआ है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको आप क्लोज कर सकते हैं, इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि स्विच करने के लिए आपको सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ मैनेज अकाउंट उसके बाजू में लिखा ट्रांजैक्ट। ठीक है, तो आपको क्लिक करना है ट्रांजैक्ट पे। ठीक है, मैंने ट्रांजैक्ट पे क्लिक किया हूँ। जैसे आप ट्रांजैक्ट पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। अब नीचे में जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं मैं वो जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ, इन्वेस्ट मोर, रिडेम्पशन और स्विच, आपको स्विच पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे स्विच पे मैंने क्लिक कर दिया हूँ। जैसे ही आप स्विच पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे देखिए इधर में लिखा हुआ AMC नेम, ठीक है, उसके बाजू में लिखा फोलियो नंबर। अब आपको वो वाली AMC सिलेक्ट करना है जिसको आपको स्विच करना है। तो इनके पास में जो म्यूचुअल फंड है वो दो म्यूचुअल फंड है, एक आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड है, दूसरा IDFC म्यूचुअल फंड है। ठीक है, अभी मान लो हमें आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड वाले को स्विच करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट करने के बाद फोलियो नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। अगर नहीं आता तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के बाद में जो सोर्स स्कीम है वो ऑटोमेटिकली आ गई है। देखिए सोर्स स्कीम इनकी क्या है, आदित्य बिरला सनलाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी ग्रोथ रेगुलर प्लान। ठीक है, रेगुलर प्लान। अब अपनी टारगेट स्कीम जो है, टारगेट स्कीम में हम वो सिलेक्ट करेंगे, मतलब हमारी डायरेक्ट प्लान वाली हम स्कीम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको डायरेक्ट प्लान में जाना है। हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो इधर में ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्कीम टाइप सिलेक्ट करना है। स्कीम टाइप सिलेक्ट करने के बाद में आपको ग्रोथ पे ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, चेकबॉक्स ग्रोथ करना है, फिर लिखा हुआ स्कीम कैटेगरी। स्कीम कैटेगरी में आपका जो रहेगा इक्विटी ग्रोथ। ठीक है, इक्विटी जो ब्रैकेट में जी लिखा हुआ है वो वाला सिलेक्ट करना। अब स्कीम नेम, अब स्कीम नेम हमें जो है यहाँ पे जो स्कीम दिखेंगे आपको डायरेक्ट वाली भी स्कीम दिखेंगे और रेगुलर वाली भी स्कीम दिखेंगे, हमें डायरेक्ट वाली स्कीम सिलेक्ट करना है। वही वाली सेम स्कीम हम सिलेक्ट करेंगे जो उनकी रेगुलर में है। तो उनके पास में था आदित्य बिरला सनलाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी। ठीक है इधर में आ गया। ठीक है, ये देखिए ये है आदित्य बिरला सनलाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे करना है सबमिट। जैसे मैं सबमिट करूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इधर में आ गया। अब आपको नीचे जो आपने डिविडेंड ऑप्शन है वो तो नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि आपने डिविडेंड नहीं लिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लियर अमाउंट अवेलेबल टू स्विच, जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्लियर यूनिट्स, जितने यूनिट्स है आपको टोटल दिख रहा है, आपको एंटायर बैलेंस पर क्लिक कर देना, यानी टोटल बैलेंस जितने भी आपके यूनिट्स है, जितना भी आपका अमाउंट है वो टोटल स्विच होगा। ठीक है, बाकी अमाउंट वगैरह आपको डालने की जरूरत नहीं है, मोबाइल नंबर आपका आ चुका है। टर्म्स एंड कंडीशन आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको स्विच नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप स्विच नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास में एक नेक्स्ट पेज आएगा, कुछ इस तरीके का पेज आएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कंफर्मेशन, जो आपने डिटेल्स फिल करी है वो सारी सही है क्या। देखिए AMC का नाम आएगा, उसके बाद फोलियो नंबर आएगा, स्विच आउट मतलब किस स्कीम से आप निकल रहे हो, रेगुलर प्लान से आप निकल रहे हो, लास्ट में लिखा हुआ रेगुलर प्लान, स्विच इन किस में आप जा रहे हो, डायरेक्ट प्लान में जा रहे हो, लास्ट में लिखा हुआ डायरेक्ट प्लान, बाकी स्कीम का नाम सेम है। ठीक है, ये सारी चीज आपको चेक कर लेना है और आपको करना है सबमिट। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको एंटर करना पड़ेगा और वो OTP एंटर करने के बाद में आपकी जो स्कीम है रेगुलर प्लान वाली वो डायरेक्ट प्लान में स्विच हो जाएंगी और इसका कंफर्मेशन आपको बाय मोबाइल SMS के थ्रू आएगा और ईमेल के थ्रू आएगा और वो 2 या 3 दिन में वो कंफर्मेशन आ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये बात है कि जो हमने अभी देखे, ये जो हमने ट्रांसफर किए, स्विच जो किए रेगुलर से डायरेक्ट में, ये वो वाला पैसा किए जो आपका इन्वेस्टेड हो चुका था। ठीक है, जो ऑलरेडी आपका इन्वेस्टेड था पैसा, ठीक है, आपसे आपके जेब से निकल के म्यूचुअल फंड में गया था, उस वाले पैसे को हमने स्विच किए। ठीक है, ये तो उन लोगों के लिए ठीक है जो लमसम जिन्होंने निवेश की, एक ही बार निवेश किया, अब आगे जो लोग निवेश नहीं करते
उन लोगों के लिए ठीक है, उनका तो हो गया पैसा ट्रांसफर रेगुलर से डायरेक्ट में, ठीक है। बट कुछ लोगों की SIP चलती है, बहुत लोगों की SIP चलती है, ठीक है। अब देखिए SIP के केस में क्या हुआ कि आपका जो पैसा इन्वेस्टेड था अभी तक वो तो स्विच हो गया, ठीक है, लेकिन आपकी जो SIP है, अब जो अगले महीने जो आपका पैसा कट के कौन से फंड में जाएगा, वो रेगुलर में जाएगा, वो थोड़ी हमने चेंज किए, हमने तो सिर्फ जो पैसा जमा हुआ था उसको डाले है डायरेक्ट में। तो आपकी जो SIP है वो रेगुलर में अब आगे से नहीं जाना चाहिए, वो डायरेक्ट में जाना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी SIP चल रही है अभी रेगुलर में उसको कैंसिल करना पड़ेगा और एक नई SIP आपको डायरेक्ट फंड में चालू करना पड़ेगा, डायरेक्ट प्लान में चालू करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो और वो कैम्स की वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हो, जिस तरीके से हमने स्विच किए उस तरीके से आप वो SIP एक कैंसिल करके दूसरी चालू कर सकते हो। कैंसिल आपको रेगुलर से करना है और डायरेक्ट में चालू करना है। तो फ्रेंड ये प्रोसेस है रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में जाने की, ठीक है। और डायरेक्ट प्लान से रेगुलर प्लान में भी इसी प्रोसेस से जाया जाता है, ठीक है। बट जनरली लोग ऐसा करते नहीं है, लोग रेगुलर से ही डायरेक्ट में जाते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम स्विच हो सकते हैं रेगुलर से डायरेक्ट में। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।